नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कभी उनके ब्रेन डेड की बात की जाती है तो कभी उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, मगर अब तक किम जोंग उन की सेहत को लेकर रहस्य बरकरार है। इस बीच अगर 36 साल के किम जोंग उन की मौत हो जाती है तो फिर उत्तर कोरिया की सत्ता संभालने की कतार में उनकी बहन किम यो जोंग खड़ी है। दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा निर्दयी और खतरनाक साबित हो सकती हैं। तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर जारी रहस्य के बीच दुनिया भर के एक्सपर्ट ने चेताया है कि किम यो जोंग अपने भाई से भी ज्यादा निर्दयी और खतरनाक हो सकती हैं। आपको बता दें कि किम जोंग उन 8 साल से सत्ता संभाल रहे हैं और इस दौरान उनके क्रूर रूप से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। तानाशाह किम जोंग उन की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने परिवार पर भी कभी दया नहीं दिखाई और दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपने दुश्मन को भी नहीं बख्शा। माना जाता है कि तानाशाह किम ने राजद्रोह के आरोप में अपने चाचा को भी नहीं छोड़ा था और फांसी पर लटकवा दिया था। किम यो जोंग यानी कि किम जोंग की बहन को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि वो अपने भाई से भी ज्यादा खतरनाक और हर्टलेस हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किम यो जोंग में हथियारों के विकास का जुनून कई बार देखा जा चुका है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि किम यो जोंग को तानाशाह के रूप में स्वीकार किए जाने में लिंग कोई बाधा नहीं होगी। अगर वो अपने भाई की मौत के बाद सत्ता में आती हैं, तो वो किम इल सुंग द्वारा 1948 में शुरू की गई देश की सत्ता पर परिवार की अटूट पकड़ को जारी रखेंगी। तो उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर हैं उनकी बहन किम यो जोंग, और दुनिया ये मान रही है कि अगर वो सत्ता में आ जाती हैं तो वो किम जोंग उन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। और इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।